हाँ तो टाइम खराब नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है, मेरा नाम है अंकित, अंकित अहलावत, नाम में एक ए, सरनेम में एक ए, तो मैंने चैनल का नाम रख दिया ए टू व्लॉग्स, बहुत सोच समझ के रखा है। हाँ तो तुम्हें अब यही जानना है ना कि इस चैनल पे क्या आएगा। नहीं देखो, मैंने पूरे यूट्यूब पे ऐसा बंदा नहीं देखा जो पूरी कॉलेज लाइफ को व्लॉग कर रहा हो या फिर कॉलेज में व्लॉग कर रहा हो, तो वो काम मैं करूंगा और शायद रोज, मतलब कोशिश तो पक्का करूंगा, बाकी देखते हैं। तो इसलिए अब मैं जा रहा हूँ इंडिया के इस पार्ट दिल्ली से इंडिया के उस पार्ट हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद में क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मेरा एडमिशन बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस में हुआ है। आज था पहला दिन, थक गया हूँ, चल चल के इतना थक गया हूँ मैं, बेहिसाब ही चला हूँ भाई। 20 किलोमीटर चल पड़ा, बताओ 23,000 और 24,000 स्टेप्स, 1700 कैलोरी तो बर्न होगी, खाई कितनी होंगी मैंने जो 1700 बर्न हो गई। सिर्फ जीबीएम जीबीएम मतलब एटमॉस्फेयर था, उसके लिए बजट डिस्कस कर रहे थे। Good evening to one and all present here, and welcome to the budget presentation of Atmos 22. Fests are one of the most important elements of an institution. This is an example of the entry passes that we have for the pro shows. For comedy shows as well, we've had prominent comedians come to our campus. Some statistics from the previous fests. We have had participation of 5,000 plus people from outside our campus, an online reach of a massive 10 lakh people, a total footfall of over 12,000. More than 25,000 Facebook page likes and over 200,000 website hits. Isn't your job communicating with the admin? You should have informed me before the meeting. I'd like to inform you that Karan sir is present here with us. He can attest to the fact that from the very beginning, from the first week, we have been reaching out to the admin to check the status of the opening balance of the account. Again, as I mentioned, all these estimates are conservative. We haven't accounted for a lot of sponsorships that will be given from the artist managers. तो आज तीसरा दिन है और सब कुछ फैला हुआ है। मैं तो बहुत थक चुका हूँ, कल जिम गया था और उससे पहले चल चल के इतना थक जा रहा हूँ यार, इतने लंबा लंबा चलना पड़ रहा है, पूरा सब कुछ फैला हुआ है, ए टू जेड सब कुछ। अलमारी तो बिल्कुल ही फैल के चुकी है, मैं तो थोड़ा जितना समेटने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही फैला जा रहा है सब कुछ, समझ में नहीं आ रहा कैसे ठीक होगा। पोछा भी लगाना, झाड़ू भी मारनी है, तो सारा कूड़ा अभी यहीं पर रह गया। मैं हूँ एक निंजा। एक वो पता नहीं कैसा पैर पूछने का पायदान नहीं होता, वो दे दिया मम्मी ने और उसमें से पता नहीं रुए से निकल रहे हैं छोटे छोटे, ये ऐसे 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 रुए से निकल रहे हैं। अब इसको मैंने रख फेंक दिया, उसको तो मैं किसी काम का नहीं है, वो तो कूड़ा ही फैलाया जा रहा है, साफ करने का काम है, वो कूड़ा फैला रहा। और तो फिर वहां से मैं खाना खाने चला गया, और पता है खाने में मैंने क्या खाया? Academic orientation. So, from the syllabus, I will explain in detail about the course curriculum, which has been divided into various parts. One is the science foundation. अभी ओरिएंटेशन खत्म हुई है, अभी अमेजोन वाले का खत्म नहीं हुई, मतलब बीच में छोड़ के आ गया हूँ, कुछ हो नहीं रहा था ऐसा खास, बोर ही हो रहा था। अमेजोन वाले का फोन आया, वो कोई पैकेज है वो लेके आता हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ जाना है नहीं, पहले ब्रेक है। ए
3 दिन से बोतल धोई नहीं है और बोतल में हो गई बदबू, तो अभी बोतल भी धोके लानी है। इतने सारे काम यार, अकेले रहने में कितने काम है। मैं सो घर पे बैठे बैठे तो काम ही समझ नहीं आते थे, यहाँ तो काम इतने हो गए भाई साहब, कभी झाड़ू, कभी कमरा गंदा, चद्दर इधर उधर, बोतल धोनी है, खुद को भी धोना है, सारे काम मेरे को खुद ही करने हैं, कच्छे धोने हैं, बनियान धोनी है, कपड़े तो चल बेशक एक बार धोबी को दिलवाएंगे, यहाँ सीपी है ना, सीपी वो वाला सीपी नहीं है, दूसरा दिखाऊंगा, कभी दिखाऊंगा, सीपी में धोबी है तो कपड़े तो चलो उसको दे देंगे, लेकिन खुद कच्चे धोने, बनियान धोने, भाई साफ कमरा साफ, डस्टबिन भी खाली करना था, भर ही गए, कर ही आते हैं भाई, खाली क्या जा रहा है। वॉशरूम भी मेरे कमरे के बिल्कुल साइड में है, ये वाला वाटर कूलर है, इसमें पानी, और बिल्कुल साइड में ही वॉशरूम है मेरे कमरे के, या कभी भी जल्दी से लगी हो तो जा सकते हैं बहुत आसानी से। उसके बाद क्लासेस की ओरिएंटेशन थी तो सब वहीं चले गए, तो मैं भी जाऊंगा ही, टाइम टेबल तो बनाना ही है। तो लैब में एक ईआरपी का पोर्टल था, तो उसमें हमें अपना टाइम टेबल सेलेक्ट करना था। फिर रजिस्ट्रेशन ओवर हुआ और दिमाग की तो दही हो गई है भाई साहब, इतनी भीड़, रजिस्ट्रेशन हो रहा और फिर कोई क्लैश कर रहे हैं, कोई क्लासेस आपस में क्लैश कर जा रही है। बिट्स में क्या है ना, हमें टाइम टेबल सेलेक्ट करना है, तो हम सीनियर से पूछ रहे थे, फिर तो सारी सुबह की क्लास हो गई है, शाम का फ्री है, ठीक है, मेरे को शाम को व्लॉग के टाइम पर फ्री मिल जाएगा एडिट वगैरह करने के लिए, सही है, अपना शेड्यूल सही बैठा है, टीचर्स भी सही सही मिल गए हैं। जिम का पहला दिन और हालत फुल टाइट है। तो अभी जिम से आ गया हूँ और फ्रेश हो गया, मुंह धो लिया मैंने, अब मैस में जाना खाना खाने, उनसे पूछता हूँ उनके साथ खाना खाना, फिर खाना खा के फिर वापस आऊंगा, फिर देखते हैं क्या करना है, लैपटॉप चलाऊंगा कि कुछ एडिट ही करूंगा, शायद एडिट ही करूंगा, देखता हूँ। कमरे में गाना बजा रहे थे, वो सुनने रुक गया। Are you comedy me? मैं चला यार, एकदम से बताते हैं। फिर खाना खा के हम टीटी खेलने चले गए। वॉलीबॉल अभी भी खेल रहे हैं, लाइट चली गई है, फिर भी वॉलीबॉल खेल रहे हैं। इसमें कैमरे में लाइट बहुत ज्यादा दिख रही है, लाइट तो बिल्कुल भी नहीं है नीचे। 10:30 बज गए, हॉस्टल का गेट तो बंद हो गया होगा वैसे भी, मैं तो कमरे में जा रहा हूँ।